वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो में आपका माइंड टेस्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आप देख रहे हैं, देखिए क्या कहना चाह रहा है सवाल आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो गर्ल्स आपको दिख रही है, इसका एज कितना है, क्या आप बता सकते हैं? ट्राई कीजिए, आपको सोचने के लिए मिलेगा 10 सेकेंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके सोच सकते हैं। तो समय स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूँ कि आपने जवाब सोच लिया होगा, तो कमेंट करके कमेंट में बताएं हमें। दोस्तों इसका एज कितना है, चलिए हम पता करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गर्ल्स प्लस एप्पल इज इक्वल टू 22 लिख सकते हैं, गर्ल्स प्लस एक बॉय है इज इक्वल टू 43 लिख सकते हैं, एक एप्पल प्लस एक एप्पल इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो गर्ल्स के एज हमको इसी से पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे डबल सेव है, इसको ऐड कर देंगे तो 2 एप्पल इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक सेव का दाम निकलेगा, मतलब वैल्यू क्या है, तो एक सेव का वैल्यू 5 है, ठीक है। इस 5 को ले जाकर यहाँ पुट कर देंगे, ओके, पुट कर देंगे। फिर ये प्लस है, हमें तो गर्ल्स की एज पता करना है, तो ये प्लस 5 जो है इधर ला करके माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो आपका टोटली गर्ल्स का एज कितना है, वाओ, 17 साल की है ये गर्ल्स की एज, आपको पता चल गया, आपने सोचा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं, आप देख पा रहे हैं जैसा कि बोट के लिए W है, एरोप्लेन के लिए A है, तो इस बाइक के लिए क्या होगा? जवाब सोचने के लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब एकदम सिंपल था, देखिए क्या है इसका जवाब, आपने सोचा तो कमेंट कीजिए। इसका जवाब होगा, जैसे कि एरोप्लेन एयर में उड़ता है, हवा में उड़ता है, बोट आपका वाटर पानी में चलता है, उसी तरह बाइक कहाँ चलेगा, भूमि लैंड पर चलता है बाइक। तो इसका सही जवाब होगा लैंड, इसके लिए एल आएगा, ओके। आगे सवाल है, इसका एल होगा, क्लियर हो गया ना। आगे सवाल है आपका, यदि आपके पास 2 गाय, 2 बकरी, 1 कुत्ता है, तो पैरों की संख्या कितना होगा आपके पास? सवाल समझ में आया? आप चाहे तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए, आपके पास 2 गाय, 2 बकरी, 1 कुत्ते हैं, तो आपके पास पैरों की संख्या कितनी होगी, ये सोचना है। सोचने के लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जवाब सोच लिया होगा। इसका पैर गिनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपके पास जनरली 2 पैर हैं, तो 2 पैर के 2 पैर ही रहेंगे। तो इसका मेन लॉजिक यही था कि आप पैर काउंट करने मत लग जाइए, आपको इससे कोई, आपके पैर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आपके पास जितने पैर हैं उतना ही रहेगा, ओके। आगे सवाल देखते हैं, इसमें आपको फाइंड 8 को ढूंढ निकालना है। तो समय स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सोच लिया होगा। आपको जवाब देने के लिए आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब आप देख रहे हैं, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में भी है। तो आपको समझ आ गया। आगे सवाल है, ये बहुत अच्छा मैथ रीजनिंग सब कुछ है इसमें, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं, आपको जनरली हम 10 सेकंड का समय देते हैं। तो समय स्टार्ट होता है अब।
उम्मीद करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा। देखिए इसका सही जवाब होगा आपको 8। कैसे होगा ये देखिए, 4 इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। ओके, 3 इंटू 0, आप किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका उसका जो होता है 0 होता है। तो ये 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 4 इज डिवाइडेड बाई 2 तो 2, 6 है तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इसका फाइनली आंसर 8 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।